हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में। एक बार फिर से बेटा मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बेहतरीन तरीके से बेटा पढ़ रहे हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो टॉपिक। रेशियो टॉपिक पर हमने कल जो क्लास करी वो बेसिक सी क्लास करी है, मतलब हमने रेशियो में डिवाइड करना, रेशियो बनाना, उस तरह के सारे सवाल करे हुए हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम उसी के और आगे बढ़ेंगे। रेशियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन्हीं सभी सवालों के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए रेशियो टॉपिक लेकर, ठीक है भाई। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है, और सभी को राधे राधे है। हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो टॉपिक को भैया, अनुपात। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी आपको भी, सभी को भैया हैप्पी जन्माष्टमी है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो सब तैयार होने के बाद चलिए बताओ बेटा, सभी बच्चे तैयार हैं टॉपिक पढ़ने के लिए? और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने थोड़े बहुत सवाल घर जाकर भी लगाए होंगे। घर पे तो वैसे भी आप रहते ही हो, है ना। घर जाकर का मतलब है आपने बहुत सारे कुछ सवाल लगाए होंगे रेशियो पर बेस। कल हमने रेशियो का टॉपिक का स्टार्ट किया है, और हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में एक दो क्लास अभी और चलेंगी जिसमें आपको रेशियो टॉपिक पढ़ना होगा, क्योंकि रेशियो में बहुत तरह के सवाल हैं जो बेटा पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर बहुत तरह के सवाल हैं जो आपको लगाना आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ तैयार हो कि नहीं हो, फटाफट बताइए बेटा, तैयार हो क्लास के लिए कि नहीं हो, क्लास के लिए सभी बच्चे तैयार है कि नहीं है? चलो भैया इस सवाल पे आते हैं, जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पूरे 150 करोड़ रुपए के लिए है। गुड इवनिंग बेटा आंचल, दिव्या, आशीष, रिया, ओमकार, अश्विनी, आकांक्षा, बढ़िया बात, ठीक है। चलो फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए। बट देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है इसमें कहीं रेशियो तो दिया नहीं है, खैर, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो रेशियो, ये जो सवाल है, ये सवाल बेसिकली एलिगेशन से लगता है, या फिर इस सवाल को लगाने का एक टेक्निक हमने आपको सिखाया है ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी, ठीक है। अगर आप गौर से सवाल को पढ़ें, मैं आपके एक बार याददाश्त वापस लाना चाहता हूं, जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं मैं आपको एक बार वो चीजें याद दिलाना चाहता हूं। एक बार मेरी बात को गौर से ध्यान से समझिएगा। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के कितने बेटे मेरे पास, सिक्के 50 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, 50 सिक्के हैं, और इन 50 सिक्कों को दो भागों में बांटा गया है। 50 सिक्कों को बेटा दो भागों में बांटा गया है, 10 पैसे और 20 पैसे दो प्रकार के सिक्के मेरे पास, ठीक। और इनको मिलाकर टोटल 6 रुपए हैं, इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल कितने रुपए बेटा, 6 रुपए। याद करो हमने आपको ये मेथड सिखाया है बेटा, ये याद करो हमने आपको ये मेथड सिखाया है कि जब भी आपको कोई एक चीज को दो भागों में बांटा जाए और टोटल रुपए बताया जाए कितना है, तो आपको दोनों में से कोई एक मान लेना है, दोनों में से कोई एक मान लेना है, ठीक है बेटा। क्या करना है, आप मान लो सारे पैसे 10 पैसे के हैं। अगर हमने आज से मान लिया कि सारे पैसे 10 पैसे के हैं, 50 सिक्के हैं 10 पैसे के, 10 पैसे के 50 सिक्के का मतलब रुपए कितने हो गए बेटा, रुपए हो गए 5। सवाल ने रुपए कितने बताए थे, 6। सवाल ने बताए 6, हम कह रहे हैं 5, दोनों में डिफरेंस आया 1 का, और इस डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस के बराबर करेंगे, यानी 10 पैसे के, 10 पैसे के बराबर 1 आ गया। आप यहां से 100 पैसा निकाल लीजिए, 100 के बराबर निकाल लीजिए बेटा, जैसे ही निकालोगे तो आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10, और ये 10 हमेशा उल्टा आंसर आता है। 10 उल्टा आंसर आने का मतलब हुआ, अगर आपने शुरुआत में 10 पैसे के सिक्के माने हैं तो बेटा इसका मतलब 20 पैसे के 10 सिक्के रहे होंगे। अब बताओ 50 सिक्कों में से 10 20 पैसे के हो गए, बाकी बचे 40 10 पैसे के होंगे, बाकी बचे 40 बेटा 10 पैसे के होंगे, यही तुम्हारा जवाब बन गया है। अगर आप सवाल को पढ़े तो सवाल पूछ रहा है 20 पैसे के कितने सिक्के, तो बेटा 20 पैसे के सिक्के कितने निकाले हमने, 20 पैसे के सिक्के निकल रहे हैं 10, यानी ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर है। 20 पैसे के 10 सिक्के हैं, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है बेटा। ये एक शॉर्टकट तरीका है, मैंने क्लासेस में कई कई बार बताया है, है ना, कई कई बार बेटा इस तरह की बातें बताई है। क्या कह रहे हैं आंचल,
तुम बिटिया इतना भी पैसा नहीं गिन पाओगी, पगला के होगा। चलो सबको बात क्लियर है बेटा, सभी को बात क्लियर। जो लोग 30 आंसर बता रहे हैं बेटा, अंकित भी कह रहा है, आशीष भी कह रही है, रिया भी कह रही है, भाई 30 कैसे आंसर आ रहा है? अगर देखो मैं 30 कैलकुलेट भी कर लूं, अगर मैं 30 सिक्के 20-20 पैसे के मान लूंगा तो 6 रुपए तो डायरेक्ट यही से हो जाएंगे, फिर ये रुपया कहां जाएगा? बेटे हमें कुल मिला के 6 रुपए बनाना, दोनों को मिलाकर 6 बनाना है। अगर तुम 20 पैसे के 30 सिक्के बोलोगे तो मेरे प्यारे बच्चे वो 6 रुपए नहीं बनेंगे, वो ज्यादा बन जाएंगे। ठीक, पकड़ाई बात, आगे बढ़े। एलिगेशन से लगाने का बेटा तरीका नंबर 2 है। एलिगेशन से लगाने का तरीका बेटा ये है कि एक तरफ आपको लिखना है 10 पैसे के सिक्के, एक तरफ लिखना है बेटा 20 पैसे के सिक्के। अब हमारे पास कुल बताओ सिक्के कितने, कुल मिला के 50 सिक्के, रुपया है 6। अगर हम 6 रुपए को पैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 600 पैसा, और 600 पैसे के 50 सिक्के अगर मैं डिवाइड करता हूं बेटा तो यहां से आएगा 12। 12 पैसे तुम्हें बीच में लिखवाना है, और अब आपको घटा देना है ऐसे। जैसे ही घटाओगे तो बेटा ये बनेगा 8, ये बनेगा 2, यानी कि 4:1 में पैसा है, कुल सिक्के 4:1 में, सिक्के है 50, इसका मतलब रेशियो बन जाएगा बेटा 40:10। ठीक है, 10 पैसे के 40 होंगे, 20 पैसे के 10 होंगे। एलिगेशन लगा सकते हो बिल्कुल बेटा, एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है भैया रिया, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल हमें लगता है हमने कल की क्लास में करा है क्या, 770 रुपए को एबीसी बांटा, कल वाली क्लास में करा हुआ है, छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये वाला बताइए, सेम सवाल बेटा, जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 1 कराया बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला सवाल। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे जितने भी देख रहे हैं, बिल्कुल डिक्टो सवाल अभी भी तुम्हें लगवाया गया है, इस सवाल को तुम्हारी बारी है, ट्राई करिए बेटा, इस सवाल को तुम्हारी बारी है, ट्राई करिए। ठीक है, एक थैली में 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं। यदि थैली में सिक्कों की कुल कीमत है 21 रुपए, ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने? देखो बेटा कुल मिला के 90 सिक्के हैं, 90 सिक्कों में से 2 प्रकार के हैं, कुछ 20 पैसे के भी हैं और कुछ 25 पैसे के भी हैं, कुछ बेटा 25 पैसे के भी है ना, और टोटल उसके पास जो रुपया है वो है 21, टोटल रुपया 21 है, ऐसे बताया गया है। टोटल जो रुपया है बेटा वो 21 है। ठीक, क्या करोगे? जो अभी भी सिखाया था हमने, दोनों में से कोई एक मान लो सब पैसे 20-20 पैसे के हैं बेटा, 90 सिक्के 20-20 पैसे के हैं, अगर 90 सिक्के 20-20 पैसे के हो गए, रुपए हो जाएंगे 18। सवाल कितने बता रहा था? 21, हम बता रहे 18, डिफरेंस आ रहा 3 का, और इन दोनों के डिफरेंस को पैसों में डिफरेंस है बेटा 5 का, 5 बराबर 3 कर देंगे, 100 बराबर निकाल देंगे। जैसे ही बेटा तुम 100 बराबर निकालोगे, ये 20 बार काट रहा है, और 20 का गुणा 3 में जाएगा तो ये हो जाएगा 60 यार, और आपको पता है कि उल्टा आंसर देगा। उल्टा आंसर देने का मतलब है अगर आपने 20 पैसे के सिक्के बोले हैं या मान के चले हो, तो बेटा 60 जो निकला आंसर वो 25 पैसे का निकला, 90 में से 60 25 पैसे के, तो बचे 30 20 पैसे के। पूछा किसका गया जरा चेक करो, पूछा गया 25 पैसों के सिक्के, बेटा 25 पैसों के 60 वाला आंसर लगा दो, 60 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल बेटा। लकी और अंकित दो बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी जो लोग अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं फटाफट बताइए बेटा, क्या आपको मेरी बात क्लियर नहीं हो रही या फिर ये तरीका कम समझ आ रहा है ना, क्योंकि बच्चों ये वो तरीका है जो मैंने कई कई बार कराया है ना, ये पर्टिकुलर तरीका बेटा क्लास में मैंने कई बार कराया है, और इस तरीके से ही मैं बहुत बार सवालों को बताता हूं कि ऐसे कर सकते हो, दोनों में से कोई एक मान लीजिए, और इस तरह से बेटा सवाल बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े, नंबर तीन पर आओ। 1200 रुपए को पी क्यू आर में बांटना है, और पी को जो पैसा मिला है वो क्यू और आर का आधा मिला है, और क्यू को जो पैसा मिला है वो पी और आर का एक तिहाई मिला है। ठीक है बेटा, रेशियो बनाने वाली बात है, कल हमने आपको लास्ट जो क्वेश्चन कराया था, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था वो इसी कॉन्सेप्ट पर था, जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा कल की क्लास का वो इसी कॉन्सेप्ट पे था। देखो मैं करके दिखाता हूं, कह रहा है पी को जो पैसा मिलता है वो क्यू और आर को एक साथ मिले पैसे का आधा, यानी ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया रेशियो, और क्यू को जो पैसा मिलता है वो पी और आर के मिलेगा पैसे का एक तिहाई, यानी ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये देखो रेशियो बना। ठीक है, इन रेशियो को मिलाइए और पी क्यू आर बनाइए,
इन रेशियो को मिलाकर बेटा पी क्यू आर का कंबाइन रेशियो बनाइए, इन रेशियो को मिला दीजिए, पी क्यू आर का कंबाइन रेशियो बना दीजिए, कर सकते हो। कल की क्लास में सिखाया था बेटा रेशियो मिलाने मिलाने के लिए हम इन्हें जोड़ लेते हैं, ये तीन हो रहा है, इन्हें जोड़ लेते हैं बेटा ये चार हो रहा है, और ये तीन और चार को बराबर करते हैं, तीन और चार को बराबर करने के लिए बेटा यहाँ चार का यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब रुपया कुल मिला के 12-12 हो जाएगा। अब जब रुपया कुल मिला के 12-12 हो जाएगा तो चार से गुणा अंदर जाएगा तो चार और आठ हो जाएगा, तीन से गुणा अंदर जाएगा तो बेटा तीन और नौ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करवा लेंगे, ऐसे करने के बाद अगर आप गौर से देखो तो पी का वैल्यू चार मिल गया, क्यू का वैल्यू तीन मिल गया, और आपको पता है कुल मिला के रुपया हमारे पास 12 है, 12 में से चार तीन सात इनके पास चला गया, बचा 5 रुपया आर को मिल गया। ये देखो पी क्यू आर का रेशियो बन गया बेटा, ये बन गया पी क्यू आर का रेशियो, और जब ये पी क्यू आर का रेशियो बन जाएगा अब हम 1200 रुपए को आराम से डिवाइड करवा सकते हैं, अब हम 1200 रुपए को आराम से डिवाइड करवा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, है ना। डिवाइड करवाना आपको आता है बेटा, कर लेते हैं, चार तीन सात पांच बारह का डिवाइड 1200 यानी कि 100 बार जाएगा। पूछा गया है आर का पैसा, तो यहां पर आएगा 500, यहां पर आएगा 300 और यहां पर आएगा 400। आर का पैसा पूछा गया है तो 500 वाला हम आंसर टिक करेंगे, आर का पैसा पूछा गया है 500 वाला आंसर टिक करेंगे बेटा। नेटवर्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहाँ पर नेटवर्क तो ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया सी क्लास चल रही है, आपके नेटवर्क में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके चलो, बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई। बताओ रेशियो बना पाए हो कि नहीं बना पाए हो बच्चों, रेशियो बना पाए हो कि नहीं बना पाए। अब देखो ये एक सवाल आया है, ये जो सवाल है बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस तरह के सवाल या तो आप ऑप्शन से लगा सकते हो, या अगर आप ऑप्शन नहीं लगाना चाह रहे हो, देखो कई बार क्या करता है वो कहता है k का मान बताओ जो जोड़ा गया है, पर कई बार सवाल कहता है k जोड़ा गया है और ये समानुपाती हो गए तो बताओ k 2k प्लस 3 का मान क्या होगा, तो फिर उस केस में ऑप्शन नहीं लग पाते हैं, है ना। उस केस में यहां अगर k का मान पूछा तो हम ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो k का मान ना पूछकर k के रिस्पेक्ट में कुछ पूछ ले, है ना, तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी और फिर हमें समझ तरीका लगाना पड़ेगा। और इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा बारिश हो रही है तो जाओ छत पे बैठ के पढ़ो बारिश के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है बड़ा पढ़ो, देखो मेरे पास कह रहा है 5, 12, 29 और 57, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, कह रहा इन सभी नंबर्स में के जोड़ दें, इन सभी नंबर्स में के जोड़ दें तो ये नंबर हो जाएंगे समानुपाती। एक तो तरीका नंबर वन है कि सभी में के जोड़ के समानुपाती कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के का मान निकालो, वो है तरीका नंबर वन। पर मैं आपको एक सिखाता हूँ शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या है बेटा, जब भी कभी ऐसे नंबर्स लिखे हों और कहा जाए के जोड़ा जाए, तो आप बेटा इन दो दो को घटाओ आपस में, इन दो दो को घटाओ। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो बेटा यहां से 7 निकलेगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाता हूं तो मेरे ख्याल से यहां से निकलने वाला है 28। बोलो भाई, और इन्हें बना लीजिए रेशियो, 7 और 28 को काटेंगे तो ये बन जाएगा 1:4 बन जाएगा। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे रेशियो बनाने के बाद बेटा, रेशियो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 4 का गुणा पहले वाले में 5 में और 1 का गुणा तीसरे वाले में करवा देंगे और घटा लेंगे। 4×5=20, 1×29 होगा 29। 29 और 20 का जो अंतर आया वो 29 और 20 का अंतर आया 9, ठीक। और यहां रेशियो में कितना अंतर है बेटा, रेशियो में है 3, तो हम कह देंगे 3 = 9 ऐसे, और 3 = 9 है तो 1 = हो जाएगा 3, और यही जोड़ा जाए यही घटाया जाए, है ना। सवाल में कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो बेटा जो जोड़ा जाएगा वो यही है 3, और यही 3 है k का मान। तुम्हारा आंसर है 3, और ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। देखो बेटा इस तरह के सवाल या तो हम ऑप्शन से लगाते हैं, लेकिन अगर सवाल में के ना पूछकर के के रेस्पेक्ट में कुछ पूछेगा तो फिर ऑप्शन से भी नहीं लगा पाओगे, उस केस में फिर के जोड़ जोड़ कर ही करना पड़ेगा और वो काफी लंबा होता है। यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुनो,
है ना, जल्दी बताओ, बात समझ आई? इन दो को आपस में घटाना है, इन दो को आपस में घटाना, रेशियो बनाना है, इसका इधर गुणा करना है, इसका तीसरे में गुणा करना है, और घटाना है, रेशियो घटाकर बराबर करना है, एक निकालना है, हमेशा एक ही निकाल देना है, एक निकाल देना हमेशा। और जब तुम एक निकाल दोगे, यही एक वन वही होगा, यही एक वही वैल्यू होगी जो जोड़ा जाए या फिर जो घटाया जाए, ठीक है? तुम तीन जोड़ दोगे तो ये रेशियो जो है, ये नंबर्स जो है वो समानुपात में हो जाएंगे, तीन जोड़ने के बाद ये नंबर्स समानुपात में हो जाएंगे। जल्दी बोलो बच्चों, सबको यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी बच्चों को यहां तक बात हुई क्लियर? हाँ बेटा, एसएससी में अभी लेटेस्ट ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, और वो यहाँ पे के नहीं पूछता है, वो कहता है कि 2K+3 और इनका इनका मध्यानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, ऐसे सवाल पूछता है बेटा, है ना? आकांक्षा सर, यहाँ बारिश हो रही है तो चल नहीं रहा। अच्छा जी, बारिश तो बेटा हो ही रही है, क्या ही कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बेटा, एसएससी में इस तरह के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं आजकल। चलो ये वाला सवाल बताओ सभी लोग, सारे बच्चे इस सवाल को ट्राई करेंगे, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान सा सवाल है बेटा, इसका एक एडवांस वर्जन का सवाल भी आगे कुछ देर बाद आपको मिलेगा, पर ये आसान वाला है, ये आसान वाला है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, ये आसान वाला सवाल है, पहला आसान वाला है, फिर उसके बाद टफ वाला भी मिलेगा, ठीक है? कह रहा, दो व्यक्ति जो है उनका इनकम जो है 9:8 में है, उनका जो खर्चा है, खर्चा 5:4 में, ठीक है, और प्रत्येक आदमी 5,000 की बचत कर रहा है, कह रहा ना, प्रत्येक जो है व्यक्तिगत बचत 5,000 रुपए की कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक। अब आप मुझे बताओ जरा कि इसने कमाया 9 है, खर्चा 5 किया है, बचाया कितना है बेटा? आपको सर 4 बचाया होगा, इसने 8 कमाया, 4 खर्चा किया, बचाया कितना? इसने भी 4 बचाया है। देखो यहां पर जो बचत हो रही है, बचत का रेशियो 4:4 है, जबकि बचत एक्चुअल में कितनी हो रही है बेटा? 5,000 5,000 हो रही है, तो हम कह सकते हैं 4 का ही मान है 5,000, बस ये समझो, यहां पे बचत 4 है, यहां भी बचत 4 है, बचत बराबर बराबर है, और रुपया भी बराबर बराबर है, तो हम कहेंगे 4 का ही वैल्यू 5,000 हो जा। अगर 4 का वैल्यू बेटा 5,000 है, तो 1 का वैल्यू, या फिर कह सकते हैं हाँ, 1 का वैल्यू 1250 बेटा होगा, और अगर 1 का वैल्यू बेटा 1250 होगा, तो हम यहां से 8 अगर निकाल ले, तो 8 निकालने पर क्या होगा, बी का, या हाँ एक्स और वाई दो लोग है ना, हाँ, तो यहां से वाई का इनकम निकल आएगा। अगर मैं 1 बराबर 1250 कह रहा हूं, तो 8 बराबर बेटा यहां से आएगा 10,000, यानी कि वाई का जो इनकम निकल आएगा वो आएगा 10,000। अब जब वाई का इनकम 10,000 है, वाई का इनकम 10,000 है, वाई ने बचाया कितना है बेटा? 5,000। आप बताओ, वाई का इनकम 10,000 है, बचाया 5,000 है, तो खर्चा कितना करा होगा? खर्चा पूछा गया है बेटा, खर्चा, वाई का खर्चा पूछा गया है, तो वाई का खर्चा कितना होगा बेटा? वाई का खर्चा भी 5,000 होगा, वाई का खर्च 5,000 होगा बेटा। ना ना ना, एक बराबर निकालने के बाद आपको एक जो है वो खर्चा पूछ रहा है बेटा, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि बेसिकली कि एक का मान क्या है बेटा, एक का मान नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है वाई का खर्चा बताओ, तो वाई का खर्चा बताने के लिए आपको इनकम निकालना होगा, इनकम में से बचत घटाओगे तो खर्चा निकल आएगा, ठीक है? इनकम में से बचत घटाओगे तो खर्चा निकल आएगा, और इस सवाल का जो आंसर लग रहा होगा वो लग रहा होगा 5,000, क्योंकि वाई ने कमाया है 10,000, खर्चा और बचाया कितना है 5,000, वाई ने कमाया 10,000 है, बचाया 5,000 है, तो खर्च करा होगा 5,000, समझे? हाँ, तो भैया अब इस सवाल का आंसर जो लगेगा वो लगेगा 5,000। श्रेया जी, ऑप्शन सी सही नहीं है, लकी, दिव्या, मनोज, अंकित, है ना? बिल्कुल ठीक है, और जो बाकी लोग हैं उनका क्या बन रहा है आंसर? हाँ, 6 के आगे चलेंगे, 7 नंबर सवाल पर, 6 के आगे चल रहे हैं बेटा, 7 नंबर सवाल पर, और इस तरह के सवाल देख लो कैसे करना है। 216 रुपए इस अनुपात में है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा जी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है? 216 रुपए, पहली बात तो समझो, 216 रुपए इस अनुपात में जो है वो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। इसका मतलब ये हुआ, 216 रुपए को तो तुम पहले 2:3:4 में बटवाओ,
इससे क्या होगा, इससे निकल आएगा कि 1 रुपए के कितने रुपए हैं, 50 पैसे कितने रुपए हैं और 25 पैसे कितने रुपए हैं। सबसे पहला काम है 2-3-4 के अनुपात में बटवा देते हैं बेटा, बटवाते हैं बेटा 4-3-7-2-9, 9 का डिवाइड 216 में करेंगे तो 24×9=216 होता है, यानी ये 9 जो है वो 24 बार काटेगा। और ये है 1 रुपए का सिक्का, ये है 50 पैसे का सिक्का और बेटा ये वाले हैं 25 पैसे के, यही तो कह रहा है। अच्छा जी अभी बेटा ध्यान से सुनना, 4-3-7-2-9 का डिवाइड 24 बार जाएगा 25 पैसे के, पूछा तो मैं 25 में ही गुणा करा रहा हूं, तो 24×96 जो हैं बेटा ध्यान दो, 96 रुपए जो हैं, ये 96 रुपए 25-25 पैसे के सिक्के हैं, 96 रुपए 25-25 पैसे के सिक्कों से बने हैं। तो सिक्के कितने होंगे, 96 रुपए 25-25 पैसों के सिक्कों से बने हैं, तो रुपए कितने होंगे बेटा ध्यान दो, तो सिक्के कितने होंगे, तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यहां पर 96 रुपए हैं, तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे बेटा, 96 का 4 में करवा दीजिए गुणा, 96 का 4 में करवा दीजिए गुणा, 96 × 192, 192 × 384 बेटा 384 सिक्के हैं 25 पैसे का, ये आंसर आएगा। लकी जी एक बार चेक कर लीजिए, लकी बेटा एक बार चेक कर लीजिए, क्लास रुक रही है, अच्छा बेटा जरा चेक करो क्या समस्या इधर, यहाँ पे चल रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क सही आ रहा है, बच्चे बार बार कह रहे हैं क्लास रुक रही, क्लास रुक रही, बेटा लकी एक बार चेक करिए, ऑप्शन सी सही नहीं होगा इस सवाल का, जो आंसर सही होगा बेटा वो ऑप्शन सही होगा 384, 216 रुपए जो है वो इस अनुपात पहले बटवाओ, जब तुम इस अनुपात बटवाओगे तो 25-25 पैसे वाले रुपए निकलेंगे 96, अब 96 रुपए है तो 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे, 1 रुपए में 4 सिक्के बेटा, देखो बेटा दिव्या जी फिर समझ लो, मैंने इस रुपए को इस अनुपात में बटवाया, अनुपात में 24 बार भाग जाएगा तो 24 का गुणा यहां 96 बार, यहां 72 बार और यहां 48 बार, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया, हमसे पूछा तो 25 पैसे वाला गया ना, अब 25-25 पैसे के 96 रुपए तुम्हारे पास है, 25-25 पैसे के 96 रुपए हैं, एक आंसर 192 आएगा, 192 बेटा कैसे आ पाएगा जरा एक बार चेक करो फिर से, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, हाँ तो 24 ही बार तो किया है बेटा, यहां पर 4-3-7-2-9 का डिवाइड हम करेंगे तो 24 बार जाएगा, 24×96 रुपया होंगे, अब 96 रुपया है 25-25 पैसे बटवा दिया हमने बेटा, 96 रुपए है और 1 रुपए में होते हैं 4 सिक्के, तो 96 रुपए में हो जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे 384, 192 नहीं आएगा बेटा, 384 आएगा, 192 नहीं आएगा, 384 सही आंसर है, ठीक है देख लेना बेटा अपना आंसर तुम, ठीक है अपने हिसाब से एक बार देख लेना बेटा, इसका जो आंसर लग रहा है वो हमें लगता है 384 वाला सही है, 192 सवाल का सही आंसर नहीं है। चलो इस पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर, सेब संतरे और आम की जो संख्या है वो 5-7-8 के अनुपात में है, विक्रेता ने फलों की संख्या में से 40% 50% 75% बढ़ा दिया है, ठीक है तो अब अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं है 5-7-8 बोला ना तो 50-70-80 कर लो, 50-70-80 कर लो बेटा, अब सेब जो बड़े हैं वो 40% बड़े हैं, तो भाई 50 का 40% हो गया 20 बढ़ा दो तो ये तो 70 हो गया, ठीक, और संतरे बढ़ गए बेटा 50%, 50% बढ़ने का मतलब 35 बढ़ा दो, 70 का 50 में 35 बढ़ा दो तो ये 105 हो गए, ठीक अच्छा, और 80 का 75% बढ़ गए भाई, तो 80 का 75 मतलब 60 बढ़ गए, तो बेटा इसका 60 बढ़ा दो, ये हो गए 140,
140। अगर हम इन सभी को किसी टेबल से कटवा दें, अगर हम इन सभी को देखा जाए तो बेटा सात के टेबल से कटवा सकते हैं, सात के टेबल से सभी को कटवा सकते हैं। और एक एक बात और देखा तो 35 से कटवाओ बेटा, 35 से काटोगे तो बेटा ये दो बार कटेगा, ये तीन बार कटेगा और ये चार बार कटेगा। इसका मतलब इनका जो नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 2-3-4। इनका जो नया रेशियो बनेगा बेटा वो हो जाएगा 2-3-4। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन सी। इनका जो नया रेशियो बन रहा है बेटा वो बन रहा है 2-3-4। इस सवाल को ऐसे ही करना है, बस आपको फटाफट परसेंट निकालना आता हो, ठीक है, बस आपको फटाफट बेटा परसेंट निकालना आता हो। इस सवाल को करना ऐसा ही था। देखो फिर से बेटा रेशियो मर्ज करने को बोला गया है। फिर से जो हमारा अगला सवाल है ये रेशियो मर्ज करने वाला सवाल है बेटा। आप बताओ यहां ए और बी प्लस सी का रेशियो दिया है 3:9, यहां हमें दिया है सी रेशियो ए प्लस बी, ये आपको दिया है 10 और 14। अब बताओ इसे मर्ज करना भी कुछ देर पहले सिखाया गया था बेटा। इसे मर्ज करने के लिए हम इन्हें जोड़ लेंगे, ये 12 हो जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा। बराबर करवाने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करते ही बेटा ये 6 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब हम लोग यहां से ए बी सी लिखवा लेते हैं। ए बी सी में बेटा ए का मान 6 है, सी का मान 10 है, कुल मिला के बाद 24 है, यानी ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया है तो हम बी और ए प्लस सी बता सकते हैं, बी और ए प्लस सी बता सकते हैं। बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा बेटा, बी का मान 8 है, ए प्लस सी का मान 16 है। सीधे सीधे यहां से रेशियो बनाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऑप्शन सी बेटा, 1/2 ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट लगाओ बेटा, है ना। ये रेशियो मर्ज करना है, सीधे सीधे मर्ज करने को ही पूछा गया है। देखो 2017 एसआई में पूछा गया सवाल है और सीधे सीधे रेशियो मर्ज करने को बोल रहा है। सीधे सीधे अगर तुम्हें रेशियो मर्ज करना नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे बेटा। और ये रेशियो मर्ज करना अभी कुछ देर पहले मैंने एक सवाल भी लगवाया, कल की क्लास में भी एक सवाल इस तरह का लगवाया, ठीक है। तो ये सभी आप देख लीजिए बेटा करना कैसे है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत बहुत बार कराए गए। दिल्ली पुलिस के लिए कौन सा सैंपल पेपर लेना है बता दीजिए बेटा। पुलकित तुम तो रोज पढ़ने आते हो ना, ऑफलाइन क्लास में नहीं पूछ पाते हो सब बातें, है यहाँ कमेंट करके पूछ रहे होगा। दे कल आओ तुम क्लास में मिलो, फिर तुम्हें बताएंगे वहीं पे, ठीक है। हाँ सबका आ गया, बढ़ो आगे आगे बढ़ो, या 3 फ्रेंड में गड़ा लिखा है बेटा, 4 फ्रेंड फीस हो गई इसकी है, ठीक है आगे बढ़ो। जिन अंकों में 56 का अंतर है उसमें पहला अंक दूसरे का 2/9, बताओ बेटा जो पहला नंबर है वो दूसरे का 2/9 है। तो भैया पहला अगर दूसरे को हम पहले को पहला जो नंबर है वो दूसरे का 2/9, दूसरा वाला 9 है पहला वाला 2 है, ये बन गया दोनों में रेशियो। 56 का अंतर है वो ठीक है, पहला अंक दूसरे का 2/9 है तो पहला वाला जो है वो दूसरे का 2/9 है, यानी दूसरा 9 होगा तो पहला 2 होगा। आप बताओ दोनों अंतर कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, अंतर 7 है, सवाल कह रहा 56 है, अंतर 7 है, सवाल कह रहा 56 है। तो 7 का मान 56 होगा तो 1 का मान 8 होगा, और 1 का मान 8 होगा तो ये नंबर होगा 16, ये नंबर होगा 72। यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया बेटा, 16/72, समझ रहे हो, यही इस सवाल का आंसर है, जवाब है। आसान सवाल था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान सवाल है, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है बउआ। चलो आगे चले अगले सवाल पे, आगे चलते। देखो बेटा मिश्रण वाले सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पुलिस वगैरह के एग्जाम में, जितने भी ये छोटे एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जाम्स में ये इस तरह के सवाल बेटा मिक्सचर पर बेस सवाल खूब चिल्ला चिल्ला के पूछे जाते हैं, है ना। तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे जल्दी बताओ बेटा। मिक्सचर वाले सवाल भी बहुत बार कराएंगे क्लास में, मिक्सचर के क्वेश्चन भी खूब खूब बार कराए गए, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जल्दी से बताओ बेटा। अस्सी लीटर का मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध पानी मिलाती है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 2:3 हो जाए। देखो बेटा मिक्सचर मेरे पास 80 है, काय काय का मिल्क वाटर है, ये मिक्सचर पहले 3:2 था, हमने कुछ और पानी मिलाया जिससे बेटा ये 2:3 हो गया। अब बेटा जल्दी से बताओ क्या करना होता है, याद करो हमने आपसे कहा होगा कि अगर तुम पानी मिलाओगे
अगर तुम पानी मिलाओगे तो दूध बराबर कर दो, और अगर दूध मिलाओगे तो पानी बराबर कर दो। माने उल्टा वाला बराबर कर दिया जाता है, उल्टा दूसरे वाले को बराबर करते हैं, दूसरे वाले को बराबर करते हैं। बोलो बच्चों याद आ रहा है? हमने कहा, हमने क्या मिलाया? हमने मिलाया पानी। पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर करेंगे। बेटा दूध को बराबर करने के लिए ऊपर 2 का नीचे 3 का गुणा करवा दो, दूध बराबर हो जाएगा। बेटा बताओ, 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 6 और 4। यहां 3 से गुणा करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 6 और 9। बोलो हो जाएगा? अब बताओ दूध बराबर हो गया? जैसे ही दूध बराबर हो गया, चेक करो पानी कितना बढ़ रहा है, पानी 5 बढ़ रहा है। यानी 5 अनुपात का मान निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। अगर हम 5 का वैल्यू निकाल लें तो आंसर आ जाएगा ना। और वैल्यू कहां है? वैल्यू है ये 80 लीटर। और ये क्या है? ये है मिक्सचर, दूध पानी को मिलाकर। और दूध पानी को मिलाकर मिक्सचर हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 10। हमारे हिसाब से हो रहा है 10, सवाल के हिसाब से हो रहा है 80 लीटर। 10 का मान 80 लीटर है। पानी कितना बढ़ रहा है बेटा? 5। तो 5 का मान हो गया 40 लीटर। यानी इसका मतलब पानी कितना बढ़ा है बेटा? पानी बढ़ा है 40 लीटर। बेटा लकी का एक बच्चे ने आंसर दिया था, लकी ने, जो 40 लीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये मिक्सर वाले, और दूध पानी के मिक्सर पर सवाल खूब आता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में खूब आता है बेटा। आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, जो मिलाया उसे छोड़कर दूसरे वाले को बराबर कर दो, बस। जो मिलाया उसे छोड़कर दूसरे वाले को बराबर कर दो। जैसे ही बराबर करोगे तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कितना बड़ा, 5 बड़ा। 5 का ही मान निकालना है। अब ये 5 का मान कहां से आएगा? मान दिया ये 80 लीटर, और 80 क्या है? मिक्सर है, और मिक्सर में दूध और पानी मिलाकर है, दूध और पानी मिलाकर 10, 10 का मान 80, तो 5 का मान 40। अगर 10 का मान 80 तो बेटा 5 का मान 40 होगा। यही सवाल का आंसर है। मतलब 40 लीटर पानी पक्का मिलाया जाए। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल डिक्टो सेम सवाल, फिर से बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम सवाल। 18 लीटर का मिश्रण है एसिड और पानी का, कह रहा है एक्स लीटर पानी मिला दें तो उल्टा अनुपात हो जाएगा 3:1। अनुपात बेटा 5:1 था, 3:1 हो जाएगा। लिख लेते हैं भैया, 18 लीटर है हमारे पास एसिड और वाटर। ठीक, एसिड वाटर है, किस अनुपात में था बेटा? 5:1 में था। ये 3:1 हो जाएगा अगर हम इसमें और क्या मिला दें बेटा? और पानी मिला दें। और पानी मिला देंगे तो ये 3:1 हो जाएगा। यही कह रहे ना? सबसे पहले बताओ बेटा क्या मिलाया, सबसे पहले बताओ आपने क्या मिला दिया है? बेटा आप कहोगे सर पानी मिला दिया है। अगर सर पानी मिला दिया है, अगर पानी मिला दिया है तो हम एसिड बराबर करेंगे। एसिड बराबर करने के लिए बेटा ऊपर 3 से नीचे 5 से गुणा। आप बताओ 3 का गुणा करोगे तो ये 15 और 3 हो जाएगा, और जब तुम 5 से गुणा करोगे बेटा ये 15 और 5 हो जाएगा। बोलो बच्चा, अब मुझे बताओ पानी कितना बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है सर 2। अगर हम 2 का मान निकाल ले तो आंसर आ सकता है। अच्छा 2 का मान कहां से आएगा? आपको दिया है मिक्सर 18, और मिक्सर हमारे हिसाब से 15 18, ये भी हो रहा है। यानी 15 3 18, 18 का वैल्यू 18 लीटर। तो बढ़ा कितना पानी? पानी बढ़ा 2, 2 का मान 2 लीटर। 2 लीटर पानी मिला दिया जाए बेटा, 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, 2 लीटर पानी मिला दिया जाए। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी सही। समझ रहे हो? सभी के सभी सवाल एकदम आसान और सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे सवाल है भाई। चलिए बताओ बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर चाहिए, आंसर जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर चाहिए बच्चों। जल्दी बताओ, अब लगा पाओगे? अब लगा पाओगे बेटा? ये वाला बता दो तो माने बेटा। सेम सवाल है फिर से, मिक्सर वाला, फिर से मिक्सर पर आधारित सेम सवाल। जल्दी से बताओ बच्चों, मिक्सर पर आधारित सेम सवाल फिर से। 120 लीटर का मिक्सर है नमक पानी, 3:5 में है, 6 घंटे तक धूप में रख दिया तो बेटा अनुपात उल्टा हो गया, यानी 5:3 हो गया। भैया 120 लीटर का, यहां लिखते हैं, 120 लीटर का मिक्सर है साल्ट वाटर, कितने अनुपात में था? 3:5 में था। धूप में रख दिया यानी सुखा लिया, और जब तुम सुखाओगे तो पानी निकल जाएगा,
और जब पानी निकल जाता है तो अनुपात हो जाता है उल्टा, 5:3 हो जाता है। पानी निकलने के बाद अनुपात उल्टा हो जाता है 5:3। और आपको एक बात अच्छे से पता, जब भी को जो चीज निकाली जाती है या जो चीज डाली जाती है उसके अलावा दूसरे को बराबर कर लेते हैं। बताओ क्या निकल रहा है यहां से? धूप में सुखाओगे, धूप में सुखाओगे तो क्या निकल जाएगा बेटा? धूप में सुखाओगे तो पानी निकल जाएगा ना। तो पानी निकल रहा है तो किसे बराबर करें बेटा? साल्ट बराबर करेंगे। अगर जो निकल रहा है या जो डाला जा रहा है उसको बराबर नहीं करते, दूसरे वाले बराबर करते बेटा। साल्ट करो बराबर। साल्ट बराबर जब हम करेंगे तो मुझे बताओ 5:3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 25, और बेटा यहां हो जाएगा 15 और 9। यही तो कहानी है। मुझे अब सोच के बताओ बेटा कि पानी कितना कम हुआ? पानी कम हुआ 16। अगर हम 16 का मान निकाल ले तो आंसर आ सकता है। अगर हम 16 का मान निकाल ले तो आंसर आ सकता है। अब 16 का वैल्यू कहाँ है बेटा? 16 का वैल्यू कहाँ है अब बताओ जरा? 16 कैसे आएगा? अच्छा वैल्यू, वैल्यू सवाल में ये लिखा है 120। वैल्यू ये लिखा है 120। 120 क्या है? मिक्सर। 15 और 25 मिक्सर हुआ 40 का, तो मतलब 40 का वैल्यू है 120। अगर 40 का वैल्यू बेटा 120 है तो 1 = 3, और अगर 1 = 3, पानी कितना कम हो रहा है? पानी कम हो रहा है 16, तो 16 का मान निकालेंगे, 48 लीटर पानी भाप बनकर निकल गया। 48 लीटर पानी जो है वो भाप बनकर निकल गया। हाँ 27 आएगा, कहाँ 27 आएगा? लकी बेटा क्या कह रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। 27 आएगा, 42 आएगा, क्या कह रहे हो? 13 का डी होगा। हाँ ठीक है, 13 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 48 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 48 देखो सब सवाल एक जैसे हैं बेटा, सारे सवाल एक जैसे हैं, ये सभी पूछे गए सवाल हैं। आप देख रहे हो 2017 SI में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। करना सिर्फ इतना काम है, जो मिलाया जाए जो निकाला जाए उसके अलावा दूसरे वाले को बराबर करना है। दूसरे वाले पर जैसे ही तुम बराबर करोगे ना, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा ये कितना घट रहा है, ये कितना बढ़ रहा है। जितना घट रहा बढ़ रहा उसी का वैल्यू निकाल दो, उसी का वैल्यू निकाल दो, और वही तुम्हारा आंसर यानी जवाब बनेगा। ठीक, चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के आगे बेटा, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 13 के आगे चलेंगे 14 नंबर पर। ये वाला सवाल कौन कौन करके दिखाएगा जल्दी बताओ? दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, उनका खर्चा 4:7 के अनुपात में। हर एक आदमी 4000 की बचत कर रहा है, आय में कितना अंतर है बेटा? इस तरह का सवाल हमने आपसे कहा था, अगर दोनों व्यक्तियों को घटाया जाए या दोनों ही व्यक्तियों को बढ़ाया जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका लगा सकते हैं। यानी बेटा अगर मैं आय में से बचत घटाऊंगा तभी तो खर्चा आएगा ना, तो आय में से बचत घटा देने पर खर्चा बीच का रेशियो निकल रहा है, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं बेटा। मतलब ऊपर वालों गुणा कराइए, 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 12, यानी डिफरेंस आया 2 का। नीचे गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा बेटा मेरे ख्याल से 28, और ये हो जाएगा 16। 28 16 मंतर आया 12 का, तो 2 का मान 12000। अगर 2 का मान है 12000, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6000। अगर बेटा 1 का वैल्यू 6000 होगा, पूछा क्या गया है? पूछा गया आय में अंतर, आय में अंतर तो 1 का ही है, तो 1 का मान हो गया 6000। यही आंसर है, यही आंसर है 6000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बिल्कुल बेटा अंकित जी, 6000 सवाल का आंसर है। ठीक है, एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ऊपर क्रॉस कर दो नीचे क्रॉस कर दो। ये बात आप हमेशा ध्यान रख लो, जब भी दोनों घट रहे हो दोनों बढ़ रहे हो, दो रेशियो दो लोग का रेशियो और दोनों ही घट रहे हो दोनों बढ़ रहे हो, तो आपको क्रॉस ऊपर करना है क्रॉस नीचे करना है। ठीक, और बराबर बराबर कर लेना है, फटाफट तुम्हारा जो आंसर है वो फटाफट बनेगा। और ये सारे मेथड आपको रेशियो टॉपिक में खूब सिखाए गए। ठीक है, लास्ट सवाल है बेटा आज की क्लास का, एकदम आसान वाला है, लास्ट सवाल है, इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे और आज के लिए यहीं तक रहेगा हमारे क्लास में। ठीक है, 15 नंबर पर आओ। 15 में कह रहा है कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। लिख लेते हैं भाई, कलाम और वेंकट दो व्यक्ति हैं, इनकी जो उम्र है वो 8:7 में है। ये कब की है बेटा? ये प्रेजेंट की है। फिर कह रहा है 20 साल के बाद,
20 साल बाद आएंगे भाई, 20 साल बाद आएंगे तो उनका अनुपात हो जाएगा 13:12, 13:12। जरा बताओ मुझे बात, ऊपर वाली बात प्रेजेंट है, नीचे वाली बात 20 साल आगे की, यानी 20 साल का फर्क आ रहा है। अगर ये 20 साल का फर्क है, आप मुझे बताओ तो रेशियो कितना बढ़ रहा है? रेशियो बढ़ रहा है बेटा 5, यहां से भी कितना बढ़ रहा है बेटा, यहां से भी बढ़ रहा है 5। अगर रेशियो 5:5 बढ़ रहा है, साल बढ़ रहे हैं 20, तो हम कहेंगे 5:5 का मतलब है 20 साल, 5:5 का मतलब बेटा 20 साल है। अगर 5:5 का मतलब 20 साल है, उनके उम्रों के बीच में अंतर पूछा गया बेटा, अंतर 1 है तो 1 बराबर यहां से आ जाएगा 4 साल। उनकी उम्रों के बीच में जो अंतर है वो 4 साल का है, उम्रों के बीच में जो बेटा अंतर है वो हो जाएगा 4 साल, और यही सवाल का आंसर यानी जवाब है। ठीक, समझ गए सभी लोग, है ना, बात समझ आई है। रेशियो टॉपिक में आपने इस तरह के एज वाले सवाल बहुत सारे पढ़े होंगे, है ना, मिक्सर वाले सवाल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, दो मिक्सर्स को मिला दिया जाए वो सवाल पढ़े होंगे, पानी मिला दे दूध मिला दे ये भी पढ़े होंगे आपने सवाल, है ना। तो बेटा बहुत तरह के सवाल हैं जो रेशियो टॉपिक में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो होते हैं रेशियो मिलाना और रेशियो में डिवाइड करना। सबसे ज्यादा सवाल जो रेशियो में आते हैं बेटा वो रेशियो मिलाना और रेशियो डिवाइड करने पर बेस जाते हैं। ठीक है, हाँ बढ़िया बात है। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे, रेशियो के भी एक दो क्लासेस और चलेंगी, है ना, क्योंकि रेशियो में बहुत तरह के सवाल है, तो अभी हो सकता है 2-4 क्लासेस और चलेंगे रेशियो के, फिर हम लोग और सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अगली क्लासेस में, आज के लिए इतना ही है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बढ़िया रात में जन्म करवाइए भगवान का, और प्रसाद लेकर आइए कल कोचिंग में सभी लोग। ठीक है, मिलेंगे।